हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा दो रंग का डिजाइन लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी लहरिया जैसी बनती हैं। ये पैटर्न हमारा उभरा उभरा सा दिखाई देता है इस तरीके से, जो देखने में बेहद सुंदर दिखाई देता है। ये पैटर्न जितना देखने में सुंदर है, बनाने में बहुत आसान है। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी डालिएगा फ्रेंड्स, बनके बहुत ही सुंदर नजर आता है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉर्डर बनाया है। तीन लाइनें मैंने दोनों सबसे उल्टी उल्टी बुन ली हैं। सीधी साइड में आके हमने पैटर्न शुरू करना है। जिस कलर से हमने बॉर्डर बनाना है, उसी कलर से हमने डिजाइन को स्टार्ट करना है। ये पैटर्न हमारा 8 लाइन का है, जिसमें की 4 लाइनें हमारी एक कलर से बनेंगी और आगे की 4 लाइनें हमने दूसरे कलर से बनानी है। बॉर्डर के बाद ये डिजाइन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 18 के मल्टीपल प्लस 2 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 38 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले हमने 18 फंदे लिए, फिर 18 फंदे और लास्ट में 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो इस तरीके से निडल पे मेरे 38 फंदे हैं। तो ये पैटर्न हमारा सीधी तरफ से शुरू होगा। बॉर्डर के बाद ये जो मैंने फर्स्ट रो बनाई है, वही फर्स्ट रो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। यहाँ पे सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो यहाँ पे डिजाइन के फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन के सेकंड रो। पहले फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे डिजाइन के सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन की थर्ड रो। पहले फंदों को स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो यहाँ पे डिजाइन की थर्ड रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की फोर्थ रो। पहले फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे डिजाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, एक कलर से हमारी 4 लाइनें बन गई हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड कलर को लाएंगे। सेकंड कलर से पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। ये हमारे डिजाइन की फिफ्थ रो है। तो यहाँ पे डिजाइन की पांचवी सिलाई बनके कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की सिक्स रो। पहले फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे डिजाइन की 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की 7th रो है। इस रो को फ्रंट बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारे डिजाइन के सबसे मेन रो है। तो देखिएगा फ्रंट, यहाँ पे 18 के मल्टीपल में हमने फंदे लिए हैं। 18 फंदों में डिजाइन बनेगा हमारा। यहाँ पे डिजाइन को हमने 2 बार रिपीट किया है। 18 फंदे यहाँ तक, फिर 18 फंदे यहाँ तक। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही 18 फंदे पूरी रो में हमने दोहराने हैं। अब पिंक कलर से भी हमारी 4 लाइनें बनेंगी। 2 लाइनें हम बना चुके हैं। ये हमारे डिजाइन की 7th रो है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले एच के फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ से 18 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 फंदों का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए। ऐसा हमने 3 बार करना है। एक बार हमने 2 फंदों का 1 कर लिया है, फिर से हम 2 फंदों का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए। 2 बार हमने कर लिया है, फिर तीसरी बार फिर से हम 2 फंदों का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए। इस तरीके से हमने 3 बार 2 फंदों का 1 कर लिया है। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डाल के हमने 1 फंदा सीधा बुनना है। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डाल के 2रा फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 3रा फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डाल के 4था फंदा हम सीधा बुन लेंगे।
फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डाल के पांचवा फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, छठा फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से हम दो फंदों का एक करेंगे सीधा बुनते हुए। ऐसा हमने तीन बार करना है। एक बार हमारा हो गया है, फिर से हम दो फंदों का एक साथ ऐसे लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। दो बार हमने कर लिया है। तीसरी बार फिर से हम दो फंदों का एक साथ ऐसे लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो इस तरीके से हमने तीन बार दो फंदों का एक कर दिया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पैटर्न बनके हमारा कंप्लीट होता है। 18 फंदों का डिजाइन है। देखिएगा, आपको मैं काउंट करके बता देती हूँ। ये तो हमारा एच का फंदा है। यहाँ से हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ 18 फंदों में एक डिज़ाइन बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले दो फंदों का एक करेंगे एक बार, फिर से हम दो फंदों का एक करेंगे सीधा बुनते हुए दो बार, फिर से हम दो फंदों का एक करेंगे सीधा बुनते हुए तीन बार। फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डाल के एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डाल के दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डाल के तीसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए चौथे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डाल के पांचवें फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए छठे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। ऐसा हमने तीन बार करना है। फिर से हम दो फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हम दो फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर डिजाइन की 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की 8th रो। पहले फंदे को पल बाई स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। फ्रेंड्स, जाली वाले फंदे को बहुत ध्यान से बुनिएगा। इस तरह बैक साइड में पूरी रो को सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर डिजाइन की 8th रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही 8 लाइनों में डिजाइन भी बनके हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने इन्हीं 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। आगे आपने फिर से प्राइमरी कलर को लाना है। इससे आपने 4 लाइनें बनानी है, सीधी उल्टी सीधी उल्टी। उसके बाद आपने कलर चेंज करना है और इस पैटर्न को बनाना है। देखिएगा फ्रेंड्स, कितना आसान और कितना सरल सा डिजाइन है। देखिएगा, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मन चाहे कलर लेकर के इस डिजाइन को बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का डिजाइन आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।